Engineers and safety is the concept which we are going to discuss now. Engineers can make a significant contribution to safety. How engineers can make a significant contribution to the safety while whenever we talk about civil engineers, their primary aim is to design, construct and maintain. For example, Kahipegu Bridge hai, तो जो सिविल इंजीनियर हैं सबसे पहले वो डिज़ाइनिंग करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे मैंटेन करेंगे कि अगर बाद में कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो जाती है कोई फ्ला एग्जिस्ट हो जाता है उसको मैनेज करेंगे तो दे प्राइमरी फोकस इज डिज़ाइनिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इन सब में जो सेफ्टी है वो सबसे पहला हमारा स्टेप है अगर डिज़ाइनिंग के वक्त सेफ्टी को इन्श्योर नहीं किया गया तो आप उसके रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते इसी तरह जो एग्जाम्पल इसमें दी गई है स्लाइड में इसमें इस चीज़ को इन्शोर किया गया है कि जो कार वगैरह हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल्स उनमें आपकी ही सेफ्टी के लिए वहाँ पे सीट बेल्ट मौजूद होते हैं अगर सीट बेल्ट को आप इंश्योर नहीं करेंगे तो चांसेस ऑफ इंजरी एंड एक्सीडेंट्स आर देयर इन द केस ऑफ़ एनी एक्सीडेंट देयर मे बी सम सॉर्ट ऑफ इंजरीज वाई यू डिडेंट इम्प्लीमेंट द सीट बेल्ट प्रॉपरली यू डिडेंट पेशन योर सीट बेल्ट अगर आप अपनी सीट बेल्ट को नहीं पहनते प्रॉपरली तो चांसेस है इंजरी हो सकती है अब इसका मतलब यह हलगिज नहीं है कि आर्गनाइजेशन ने सेफ़्टी के मयर अडॉप्ट नहीं किए ऑर्गेनाइजेश ने सेफ्टी के मैयर्स अडोप्ट किए हैं लेकिन इम्प्लॉइज ने या किसी शख्स ने इंडिविजुअल पर्सन ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन में इस बात को इंशोर किया जाता है जो भी सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए इंजीनियर्स एंड सेफ्टी का जो अगला एस्पेक्ट है वो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल इलस्ट्रेट किया जा सकता है एन इंजीनियर इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजाइनिंग न्यू सीट बेल्ट देट इज कॉम्फर्टेबल अब सीट बेल्ट हम लोगों ने देनी है गाड़ी में नंबर टू कम्फर्टेबल हो सेफ्टी सिक्योरिटी कन्वीनियंस इन सब चीज़ों को इंजीनियर ने इंश्योर करना है फंक्शनल इन एक्सपेंसिव वो सीट बेल्ट प्रॉपर यूज होती हो और इन एक्सपेंसिव भी हो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो चीपर हो ताकि कहीं टोटल कास्ट ऑफ दॉट इंक्रीज टू मच और ये कस्टमर टारगेट मार्केट की रेंज से बाहर ना चली जाए इस चीज को भी हमने इंश्योर करना है अब यहाँ पर यह देखा गया है कि जो इंजीनियर हैं उन्होंने डिजाइन अ बेल्ट दैट मीट ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स एंड इट इज इंस्टॉल्ड इन टेन थाउजेंड न्यू रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि सीट बेल्ट मस्ट बी कम्फर्टेबल फंक्शनल

ट वॉज द सेफ्टी तो इसका मतलब यह हुआ कि सेफ्टी के बगैर अगर आप इनएक्सपेंसिव देख लें कंफर्टेबलनेस देख लें या जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया था फंक्शनल देख लें यह तीनों काम सीट बेल्ट कर रहा था लेकिन उसमें वो जो ड्यूरेबिलिटी का एलिमेंट था सेफ्टी का एलिमेंट था वो मिसिंग था तो चांसिस है कि इस वजह से बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है इंजीनियर्स एंड सेफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट अस्पेक्ट्स हैं जिनको वन बाई वन हम आपसे डिस्कस करते हैं द डिज़ाइन प्रोसेस प्रोसीड्स इन फाइव सिक्वेंशियल स्टेप्स जब भी किसी चीज़ की डिजाइनिंग फेज आएगी चाहे वो हम लोग पेपर के ऊपर डिजाइ स्केच करें या उसको बाकायदा फिजिकली फार्मूलेट करें प्रोडक्ट को फार्मूलेट करें दिस हैज़ टू गन थ्रू फ्राम फाइव स्टेप्स नंबर वन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है गैप बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड इज नोन एज प्रॉब्लम दैट इज नोन एज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सिंथीसिस सिंथीसिस कहते हैं जो चीज़ सेपरेट इंडिविजुअली है उसको इकट्ठा करके प्रजेंट करना इस अमल को सिंथीसिस कहते हैं अनालिसिस एंड अवेलुएशन आप लोग किसी भी प्रोडक्ट्स के हवाले से काम कर रहे हैं अब ये मेरे सामने माइक है अब माइक का मैं अनालिस करना चाहता हूँ तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में हम डिवेल्प करेंगे और एक को वन बाई वन स्टडी करेंगे इस अमल को अनालिस कहते हैं फिर इसको अवेलुएट करना है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है क्या जो वॉइस क्वालिटी है वो यहाँ से ट्रांसमिट होकर मुतलका जिस जगह पर जानी है वहाँ पहुँच रही है ये हमारी एक्सपेक्टेशन है और एक्चुअल क्या ये तमाम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इसको अवेलुएशन कहते हैं एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को कंपेयर करने के अमल को अवेल्यूशन कहते हैं एनालिसिस एंड अवेलुएशन थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है डॉक्यूमेंट एंड कम्युनिकेट डॉक्यूमेंट का ये मतलब है कि वो जो तमाम काम हमने किया उसको एक जगह पे रिपोर्ट की शक्ल में प्रिपेयर करना डॉक्यूमेंट्स कहते हैं एंड कम्युनिकेट फिर वो अपने इमिजिएट बॉस से शेयर करना इज नोन एज कम्युनिकेट एंड लास्ट पॉइंट इज प्रोड्यूस एंड डिलीवर प्रोडक्ट को डिवेल्प करना और टारगेट मार्केट में टारगेट मार्केट क्या है द ग्रुप ऑफ पीपल टू होम योर मार्केटिंग कम्पेन विल बी फोकस्ड अपॉन उसको टारगेट मार्केट कहते हैं प्रोडक्ट को डवेल्प करने के बाद टारगेट मार्केट में डिलीवर करना इस अमल को प्रोड्यूस एंड डिलीवर कहते हैं डिजाइन प्रोसेस प्रोसीड्स इन फाइव सी स्टेप्स। ये जो मैंने पाँच सीक्वेंशियल स्टेप्स आपसे शेयर किए अगर इनको फॉलो किया जाए तो चांसेस ऑफ सेफ्टी विल बी देयर। इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट हाइजीन बेसिकली फ्री फ्रॉम जर्म्स को डियर स्टूडेंट्स कहते हैं हाइजीन इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट वो लोग हैं जो कि सेफ्टी हेल्थ के रिलेटेड बहुत काम कर रहे होते हैं और उनकी साइकोलॉजिकल इंडस्ट्री साइकोलॉजिकल हेल्थ हेल्थ बीइंग इनके ऊपर वर्किंग होती है या मेडिकल हेल्थ साइंसेज में उन्होंने काम किया होता है उन लोगों को इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट कहा जाता है इंडस्ट्रियल हाइजीन इज़ डिफाइंड बाय द अमेरिकन इंडस्ट्रियल हाइजीन अमेरिकन इंडस्ट्रियल हाइजीन एसोसिएशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम कर रही है उनके मुताबिक इसकी डेफिनेशन डीजा स्टूडेंट्स ये है साइंस एंड आर्ट डिवोटेड टू द रिकुएशन एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर स्ट्रेसेस स्ट्रेसिंग इन एंड फ्राम दर्क प्लेस वर्क प्लेस के ऊपर जो भी स्ट्रेस से एनवायरमेंट फैक्टर से चीजें आइडेंटिफाई होती हैं रिकग्नाइज जिनको किया जाए अवेल्यूट किया जाए और कंट्रोल किया जाए उसको हम लोग हाइजीन बोलते हैं इंडस्ट्रियल हाइजीन की स्पेसिफिक ये डेफिनेशन है अगर फर्दर इसको देखा जाए तो इसमें इस चीज़ को इंशोर किया जाता है कि यहाँ पे इन चीज़ों की वजह से विच में काज सिकनेस एम्प्लॉँ बीमार हो सकते हैं विच में काज पर्टिकुलर हेल्थ एंड वेल बियग हेल्थ एंड वेल क्या है कि जिसमें ब्रॉडर लेवल पे इम्प्लाई की हेल्थ का ख्याल रखा जाता है सिग्निफिकेंट डिसकम्फर्ट बहुत बहुत इम्प्लाई अनकम्फर्ट हो जाते हैं इफ़ दे आर नॉट फीलिंग गुड और समटाइम इनएफिशंज इम्प्लॉ ने जो काम अफेक्टिवली करना है वो अफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकता उसको इनफिशेंट कहते हैं ऐसा क्यों हुआ ड्यू टू हाइजेनिक फैक्टर्स हुआ अमंग वर्कर्स और अमंग सिटीजन ऑफ द कम्युनिटी सिटीजन ऑफ द कम्यूनिटी को इसलिए एड किया गया इस डेफिनेशन में ताकि इसका स्कोप ब्रॉडर किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर तो ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है लेकिन तमाम कम्युनिटी के ऊपर भी इसका स्कोप देखा गया है इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट आर प्राइमरली कंसर्नड अबाउट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हेजर्ड ये वो डिफ़िकल्टीज हैं मुश्किल हैं जिनको इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट डील करते हैं नंबर वन सोलवेंट्स नंबर टू पार्टिकुलेट्स नंबर थ्री नॉइस फोर डरमाटोसिस रेडिएशन टम्परेचर एल्गोनिक्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, वेंटिलेशन गैसेस एंड वेपर्स। अब ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं डी स्टूडेंट्स ये तमाम वो फैक्टर हैं जो डिफरेंट सार्ट ऑफ़ सिकनेस और डिफरेंट काज हैं हमारे लिए जिनकी वजह से किसी भी ऑर्गनाइजेशन के अंदर इंजरीज या उसके अलावा हाइजनिकवायारमेंट को ये फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट्स हैं उनका प्राइमरली फोकस ही ये है कि इन चीज़ों को किस तरह आइडेंटिफाई करना है कंट्रोल करना है अवेल्यूट करना है और प्रॉपरली इस चीज़ को इंश्योर करना है कि ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में हों और इम्प्लॉइज़ इनमें रहते हुए हाइजीन एन्वायरमेंट उनको प्रोवाइड किया जाए